वेलकम टू आवर स्टडी चैनल। टुडे वी विल ब्रीफली डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। इन द अर्लियर वीडियो वी हैड डिस्कस अबाउट प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस एंड पास्ट इंडिफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस एंड पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस विदाउट वेस्टिंग सो मच टाइम। सो लेट्स गो टू आवर टॉपिक फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, इंडिफिनिट मीन्स होता है अनिश्चित। फ्यूचर मीन्स भविष्य, इंडिफिनिट मीन्स अनिश्चित। यानी कि इस प्रकार के टेंस में भविष्य में कोई काम होने को रहता है, भविष्य में कोई काम होने को रहता है तथा लेकिन काम कब शुरू होगा या काम कब तक चलेगा इसकी कोई सूचना नहीं रहती है। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में भविष्य में कोई काम शुरू होने को रहता है लेकिन काम कब शुरू होगा तथा काम कब तक चलेगा इसकी सूचना वाक्य में नहीं दी रहती है। इसका सिंपल सा पहचान यह है कि हिंदी वाक्य के अंत में यानी कि एट द एंड ऑफ सेंटेंस गा गे गी में से कोई एक होता है। एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल फाइंड या वी विल गेट गा गे गी में से कोई एक, ठीक है ना। अब देखिए मैं लिखा है इस प्रकार टेंस में भविष्य में किसी काम का होना पाया जाता है तथा यह निश्चित नहीं होता कि काम कब और कितनी देर तक होगा तथा लास्ट में जो है गा गे गी में से कोई एक होता है। यानी कि अगर हमारे पास सेंटेंस कोई हिंदी में सेंटेंस आएगा तो पहले हम हिंदी वाक्य के अंत में जाएंगे और देखेंगे कि इसके लास्ट में गा गे गी नहीं ना है। अगर गा गे गी होता है तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस होता है। एज एग्जांपल मैं यहाँ पे दिया हूँ, पहले पहचान ही मैं पहचान पे ही जाता हूँ, पहचान से आगे नहीं। पहले हम लोग सेंटेंस पहचान लेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं आपको बताया हूँ कि भविष्य में कोई काम होने को रहेगा लेकिन काम कब शुरू होगा तथा काम में कितना समय लगेगा ये नहीं दिया रहेगा तथा हिंदी वाक्य में गा गे गी में से कोई एक होता है। ये पहचान हो गया तो आइए हम एग्जांपल देख के पहले पहचान क्लियर कर लेते हैं। वह कल स्कूल जाएगा हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी में से कोई एक है। वह कल स्कूल जाएगा हिंदी वाक्य अंत में गा गे गी में से कोई एक है तो वह कल स्कूल जाएगा यानी भविष्य में वह कल स्कूल जाएगा लेकिन कब जाएगा, स्कूल जाने में उसे कितना देर लगेगा ये नहीं दिया। यानी कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है। हम जब जान गए कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो हम अपना 50% काम कर लिए कि हम ट्रांसलेशन को पहचान लिए कि ये कौन सा ट्रांसलेशन है। सपोज डैट हम पहचान लिए कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में आपको मालूम है कि इसमें विल और शैल का प्रयोग होता है यानी कि हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग होता है। हम एक बार अगर जान गए कि ये ट्रांसलेशन फ्यूचर इंडिफिनिट में इसको बनाना है तो हम पहले सब्जेक्ट रखेंगे। आपको अर्लियर जो भी जितने भी वीडियो थे उसमें सब में आपको हम सब्जेक्ट खोजने को बताए थे कि सब्जेक्ट कैसे खोजते हैं, आज भी मैं बताऊंगा सब्जेक्ट कैसे रखेंगे। तो ट्रांसलेशन सब्जेक्ट से शुरू करेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल का प्रयोग करेंगे। यानी कि जब हम जान जाएंगे कि फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है तो ट्रांसलेशन हम सब्जेक्ट से शुरू करेंगे उसके बाद हेल्पिंग वर्ब फ्यूचर इंडिफिनिट में विल और शैल होता है, विल और शैल का प्रयोग करेंगे। उसके बाद वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब का ही फर्स्ट फॉर्म लगेगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा, विल और शैल का प्रयोग करेंगे और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और ऑब्जेक्ट लगाएंगे। ऐसे नॉर्मली सामान्य बोलचाल की भाषा में शैल का प्रयोग हम धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं, मतलब शैल का प्रयोग हम मॉडर्न इंग्लिश लैंग्वेज में नहीं करते हैं। लेकिन जब ग्रामर की बात आई, ग्रामर की जब जहाँ कहीं भी जिक्र होगा वहाँ आपको विद रूल विद कंडीशन आपको यूज करना पड़ेगा, शैल का भी प्रयोग करना पड़ेगा और विल का भी प्रयोग करना पड़ेगा। तो अगर हमको मालूम चल गया कि ये टेंस फ्यूचर इंडिफिनिट है तो सब्जेक्ट के बाद विल और शैल का प्रयोग करेंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद ट्रांसलेशन बनाएंगे, अगर निगेटिव है तो विल और शैल के बाद तुरंत नॉट आ जाएगा, अगर इंट्रोगेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से हम पहले रख देंगे। इंट्रोगेटिव दो प्रकार से बनता है, आपको मैं पहले ही बता दिया था कि एक इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसा रहेगा जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में दिया रहेगा उसी से हम शुरू करेंगे। हाँ, किसके साथ विल लगेगा किसके साथ शैल लगेगा ये कन्फ्यूजन आपको हमेशा से रहता है, ध्यान से आप सुनेंगे तो ये भी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा। लेकिन इस वीडियो को सुनने से पहले अब मैं आगे जो भी बताऊंगा आप हाथ में कलम और कॉपी लेके इसका जो भी ऐसा पॉइंट है उसको आप नोट करिए ताकि आप जो नोट्स बनाते समय आप वो भी चीज़ें ऐड कर सकें। आई और वी के साथ इसमें सेल का प्रयोग होता है और बाकी जितने भी कर्ता आएंगे यानी सब्जेक्ट आएंगे सबके साथ विल का प्रयोग होगा। फ्यूचर इंडिफिनिट में आई और वी के साथ शैल का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग हम करते हैं, ठीक है। कभी कभी वाक्य में प्रेशर होता है, मतलब जोर दिया गया होता है, जैसे कि वो एक सेंटेंस है कि वह स्कूल जाएगा लेकिन वही अगर दे दिया वह स्कूल अवश्य जाएगा,
जोड़ दिया गया, जब जोड़ दिया गया था तो उल्टा हो जाता है, तब आई और वी के साथ विल का प्रयोग करते हैं और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग करते हैं। ये फ्यूचर इंडिफिनिट का नियम है। फ्यूचर इंडिफिनिट सबसे आसान टेंसों में से एक है। जो आप इसके पहले का जितना वीडियो देखे होंगे सबसे आसान फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। तो आइए सीधा बोर्ड पे चलते हैं और लाइन बाई लाइन कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हैं ताकि फ्यूचर इंडिफिनिट आपको पूरी तरह से क्लियर हो जाए और इन फ्यूचर आपको कभी परेशानी ना हो। तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, इसकी पहचान, पहले कोई भी ट्रांसलेशन बनाने से पहले हमको पहचान, ट्रांसलेशन को पहचानने आनी चाहिए। आपको रूल सब मालूम रहेगा, ट्रांसलेशन बनाने आता रहेगा, लेकिन आप ये नहीं अगर पहचान पाएंगे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर, यानी प्रेजेंट इंडिफिनिट है कि पास्ट इंडिफिनिट है, पास्ट फ्यूचर इंडिफिनिट है, तो आप ट्रांसलेशन नहीं बना पाएंगे। तो फ्यूचर इंडिफिनिट की वही मैं पहचान लिखा हूँ, पहले पहचान आप क्लियर करेंगे। इस प्रकार के टेंस में भविष्य में किसी काम का होना पाया जाता है तथा यह निश्चित नहीं होता है कि काम कब और कितनी देर तक होगा। यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट में किसी अनिश्चित कार्य की सूचना मिलती है, भविष्य में काम होने वाला रहता है लेकिन उसमें उस काम के बारे में हमें कोई भी निश्चित तथ्य नहीं मालूम है। यानी कि भविष्य में कब शुरू होगा, कब तक चलेगा, ये हमें नहीं मालूम रहता है, लेकिन भविष्य में काम शुरू होना रहता है। हिंदी वाक्यांश में गा गेगी, यानी कि सेंटेंस एट द एंड ऑफ सेंटेंस वी विल गेट गा गेगी में से कोई एक हो, यानी कि गा गे गी में से कोई एक होता है, ये पहचान हो गया। जब पहचान जान लेंगे, जब ये दोनों स्टेप हम जान लेंगे, यहाँ पर लिखा हूँ हिंदी वाक्यांश में गा गेगी, गा गे गी में से कोई एक होता है। जब हम ये पहचान हम जान गए, सपोज डेट हम ट्रांसलेशन को पहचान गए, और ट्रांसलेशन को पहचान गए तो हमें रूल वन देखना है। ऐसे टेंस को ट्रांसलेट करने के लिए पहले कर्ता रखते हैं। कर्ता मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब काम को करने वाला, तो पहले सब्जेक्ट रखते हैं, फिर सहायक क्रिया यानी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में से कोई एक रखते हैं। आपको मैं बताया हूँ आई और वी के साथ शैल और बाकी सबके साथ विल का प्रयोग होता है। विल और शैल रख दिए, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट हाफ, वर्ब का फर्स्ट हाफ का प्रयोग होता है। इसमें यही सबसे अच्छी बात है कि आपको जो वर्ड रहेगा वर्ब का वही लिख देना है, यानी फर्स्ट फॉर्म, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होगा, यानी कि सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म नहीं लगेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट रख देते हैं। मैं तीनों का यहाँ पे लिख दिया हूँ, पॉजिटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ये आपको जब ट्रांजेक्शन बनाएंगे इसको नोट्स के ऊपर रखेंगे ताकि इसको आप देख के ट्रांजेक्शन बनाएं और ये धीरे धीरे आपको क्लियर हो जाए। देखिए पॉजिटिव सेंटेंस में पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ऑब्जेक्ट आएगा। यही निगेटिव हो जाएगा तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाएंगे, ठीक है, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट, सब कुछ उसी तरह रहेगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार का बनता है, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या वाक्य के पहले लिखा गया होता है और एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस में वाक्य के बीच में कब कहाँ किसको आता है, इस प्रकार का वर्ड आता है। तो जब वाक्य में क्या पहले लिखा रहेगा, यानी कि जब सेंटेंस क्या से स्टार्ट होगा तो हेल्पिंग वर्ब विल और शैल में को पहले रखेंगे, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। लेकिन अगर उसी सेंटेंस में कब कहाँ किसको सेंटेंस के बीच में पूछता है तो कब कहाँ किसको के अंग्रेजी से ही ट्रांजेक्शन की शुरुआत करते हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव वर्ड। देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। मैं आपको एक बार और रूल नंबर टू बता चुका हूँ कि आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल का प्रयोग करते हैं। लेकिन एक एक्सेप्शन है इस टेंस में, अपवाद है कि कभी कभी वाक्य में जोर दिया गया होता है, मतलब प्रेशर दिया गया होता है, तब आई वी के साथ विल और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करते हैं। प्रेशर का मतलब देखिए, वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, तो अवश्य जाएगा तो प्रेशर दिया गया, जब प्रेशर दिया जाएगा तो आई वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी सबके साथ शैल का प्रयोग होगा। और सामान्यता का प्रेशर नहीं दिया जाएगा, जैसे यह सामान्य वह स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा, तो वह कल स्कूल जाए के लिए आई और वी के साथ विल का प्रयोग करेंगे और बाकी आई और वी के साथ शैल का प्रयोग करेंगे और बाकी के साथ विल का प्रयोग करेंगे। लेकिन प्रेशर दिया रहेगा तो ठीक उल्टा हो जाएगा, आई और वी के साथ विल का प्रयोग करना पड़ेगा और बाकी के साथ शैल का प्रयोग करना पड़ेगा। एक चीज और नोट कर आप लोग कर लेंगे कि इस प्रकार के टेंस में कल के लिए हमेशा जो है टुमारो का प्रयोग होगा। अगर इस प्रकार के फ्यूचर में, पूरे फ्यूचर में जहाँ कहीं भी कल शब्द होगा वहाँ टुमारो का प्रयोग किया जाएगा, और पास्ट टेंस में जहाँ कहीं भी कल का प्रयोग होगा वहाँ यस्टरडे लिखा जाएगा। पास्ट और फ्यूचर में यह अंतर रहेगा कि पास्ट में अगर कल शब्द का प्रयोग किया जाएगा तो यस्टरडे लिखा आएगा, फ्यूचर में अगर ट्रांसलेशन में कल शब्द का प्रयोग है तो टुमारो का प्रयोग होगा। तो मैं एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हूँ, आइए एग्जाम्पल में चलते हैं। वह कल स्कूल जाएगा, वह कल स्कूल जाएगा। मैं आपको बताया हूँ हिंदी वाक्यांश में गा गेगी में से कोई एक होगा तो वो फ्यूचर इंडिफिनिट होगा। हिंदी वाक्यांश में गा गेगी में से कोई एक है कि नहीं है ना, यानी कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया, ठीक, फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। आपको मालूम हो गया कि ये फ्यूचर इंडिफिनिट है।
एक पहचान और कर लेते हैं, क्योंकि बस एक ही पहचान अगर करेंगे तो ठीक है, तो कभी कभी हो सकता है गलत हो जाए, तो एक पहचान और करेंगे। वह कल स्कूल जाएगा, यानी कि वह कल स्कूल जाएगा, कब तक स्कूल जाएगा, कितने देर में जाएगा, कब जाएगा, क्लियर नहीं है। यानी कि ये हमें आने वाले समय में कोई सूचना मिल रही है अनिश्चित काल की, तो ये फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। तो आपको मालूम चल गया फ्यूचर इंडिफिनिट हो गया। तो आप पॉजिटिव सेंटेंस के रूल नंबर 1 की तरफ देखेंगे, ये पॉजिटिव सेंटेंस है ना, वह कल स्कूल जाएगा पॉजिटिव सेंटेंस है। तो पॉजिटिव सेंटेंस वाले नियम को देखेंगे, इसमें क्या आया है, पहले सब्जेक्ट आया है, फिर हेल्पिंग वर्ब आया है। पहले सब्जेक्ट आया तो हम पहले सब्जेक्ट खोज लेते हैं, वह कल स्कूल जाएगा। मैं आपको बार बार बताता हूँ कि सब्जेक्ट कैसे खोजना है। सब्जेक्ट आपको इसी ट्रांजिशन में प्रश्न पूछना है, इसी में, वह कल स्कूल जाएगा, कौन कल स्कूल जाएगा, वह, उत्तर क्या मिलता है, वह, कौन कल स्कूल जाएगा, उत्तर क्या मिलता है, वह। तो वह जो है सब्जेक्ट हो गया, वह जो है, बाकी चल नहीं रहा क्या, वह जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, ठीक। यानी कि हमें सब्जेक्ट मिल गया वह, यानी कि ही सब्जेक्ट मिल गया। यहाँ मैं लिखते चलता हूँ, ठीक है, ही सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल। मैं आपको बताया हूँ कि आई और वी के लिए, मैं आपको पहले ही बताया हूँ कि आई और वी के लिए शैल का प्रयोग होगा और बाकी सब के लिए विल का प्रयोग होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे ही के लिए क्या होगा, विल, ठीक है, ही के लिए विल, ठीक। सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब हो गया, अब वर्ब खोजना है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखना है, तो इसी में वर्ब भी खोजना है। वह कल स्कूल जाएगा, वह कल क्या करेगा, स्कूल जाएगा, तो जाना जो है वर्ब हो गया, ठीक, जाना जो है वर्ब हो गया। ही, तो यहाँ लिख देंगे ही विल, जाना क्या होगा, गो हो जाएगा, ही विल गो। अब बाकी क्या बचा है, स्कूल, ही विल गो स्कूल, ठीक है। कल, कल के लिए मैं बताया फ्यूचर में क्या लगेगा, टुमारो, ही विल गो स्कूल टुमारो, ठीक। ये हो गया आपका पॉजिटिव सेंटेंस, क्या हो गया, ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। अगर इसी का निगेटिव बनाना रहे हमें, इसी का हमें निगेटिव सेंटेंस बनाना रहे, तब हम क्या करेंगे, सपोज डेट यहीं आ गया, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ठीक, वह कल स्कूल नहीं जाएगा, ठीक है ना। यानी कि ये निगेटिव सेंटेंस हो गया, तो निगेटिव सेंटेंस का ये नियम हम रूल नियम नंबर 2 देखेंगे। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, फिर नॉट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का प्रयोग करेंगे। सब्जेक्ट हमें खोजना है, वह कल स्कूल जाएगा, कौन स्कूल जाएगा, वह सब्जेक्ट हो गया, ही के लिए विल और शैल में कौन लगेगा, ही के लिए विल लगेगा, ही विल हो गया ना, फिर ही हो गया, विल हो गया, उसके बाद क्या है, तुरंत नॉट जोड़ देना है। देखिए इस नियम को लेके चलेंगे तो आपको मालूम चल जाएगा, जब भी ट्रांजिशन आइए इस फार्मूला को ऊपर लिख लीजिए, ठीक है ना। ही विल, विल के बाद देखिए यहाँ पे विल के बाद नॉट लिखा, तो ही विल नॉट हो गया। वर्ब आपको बताया था कि जाना वर्ब है, ही विल नॉट गो, ठीक है ना, स्कूल टुमारो, कल के लिए टुमारो लिख दिए हम, टुमारो, ठीक। अब इसी को हम इंट्रोगेटिव बना देते हैं, इसी ट्रांजेक्शन को इंट्रोगेटिव भी बना देते हैं, ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब ये देखिए, सपोज डेट यहाँ लिख, ये नहीं हटा दीजिए, नहीं रहेगा भी तब भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हटा दीजिए, ठीक। यहाँ पे आ गया क्या, क्या यहाँ पे क्या आ गया, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ गया, ठीक। क्या वो स्कूल जाएगा, क्या वो स्कूल जाएगा, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस का नियम हम देखेंगे, क्योंकि यहाँ इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो प्रकार से बनता है, एक क्या पहले आ जाता है वो इंट्रोगेटिव होता है, या कभी कभी ये क्या नहीं रहेगा वो स्कूल कब जाएगा, यहाँ कब आ जाएगा तब बनता है, लेकिन ये क्या वाला है, तो क्या वाला देखेंगे तो हम ये नियम नंबर 1 देखेंगे। अगर क्या आता है तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, हेल्पिंग वर्ब विल और शैल, तो हेल्पिंग वर्ब किसके हिसाब से रहेगा, सब्जेक्ट के हिसाब से, सब्जेक्ट वह है एक वचन, ठीक है ना, ही, तो ही के लिए हेल्पिंग वर्ब विल का प्रयोग होगा, तो विल हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले रखना है, तो विल, ठीक। विल के बाद सब्जेक्ट जो आपको पहले मालूम था, विल के बाद सब्जेक्ट, देखिए हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, यानी कि सब्जेक्ट ही है, तो विल ही हो गया, ठीक। उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या है, जाएगा, विल ही गो, ठीक। उसके बाद ऑब्जेक्ट स्कूल बच गया, विल ही गो स्कूल टुमारो, ठीक है, विल ही गो स्कूल टुमारो, ठीक। एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस और आपको बनाना था, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस आपको और बनाना है, मान लीजिए ये यहाँ पे क्या नहीं है, क्या को मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। वह स्कूल कब जाएगा, वह स्कूल
कब जाएगा, यहाँ पे कब आ गया, वह स्कूल कब जाएगा, ठीक है। तो जब ऐसा रहेगा तो नियम नंबर आप फोर देखेंगे, इंट्रोगेटिव वर्ड से ही ट्रांजिशन शुरू करेंगे। देखिए मैं लिखा इंट्रोगेटिव वर्ड पहले, तो इंट्रोगेटिव वर्ड कब, कब का इंग्लिश क्या होगा, वेन, वेन लिखा गया, ठीक। वेन के बाद हेल्पिंग वर्ड, ठीक है, वेन के बाद हेल्प, देखिए इंट्रोगेटिव वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ड, तो वेन के लिए हेल्पिंग वर्ड क्या होगा, वेन विल, ठीक है। उसका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही है, वेन विल ही, उसके बाद वर्ब है, वेन विल ही गो, ठीक है ना। फिर ऑब्जेक्ट आ गया स्कूल, फिर बच गया टुमारो, तो यहाँ टुमारो हम लिखेंगे। ये है फ्यूचर इंडेफिनिट का नियम। एक जो एक्सेप्शन मैं आपको बता रहा था कि वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, यहाँ पे वह कल स्कूल जाएगा, तो यहाँ पे वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, जोड़ दिया गया है तो सब उल्टा हो जाएगा। यानी कि क्या नाम है, आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होगा। जब इस सेंटेंस में प्रेशर दिया गया ना, जब प्रेशर दिया जाएगा तो आई और वी के साथ विल का प्रयोग होगा और बाकी सब के साथ शैल का प्रयोग होगा। तो वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, तो वह का क्या होगा, इंग्लिश ही हो जाएगा, ही, इसमें प्रेशर दिया गया है, तो प्रेशर दिया गया है तो विल के जब शैल का प्रयोग होगा, ही शैल, ठीक है ना। उसके आवाज़ का इंग्लिश नहीं लिखेंगे, हो गया ही शैल, अब गो स्कूल, ही शैल गो स्कूल टुमारो, ठीक है। आपको ये अवश्य की इंग्लिश में ही कुछ लिखनी है, क्योंकि यहाँ पे चेंज हो गया, अवश्य में प्रेशर दिया, वह कल स्कूल अवश्य जाएगा, प्रेशर दिया गया है ना। जब प्रेशर दिया जाएगा तो ही के जगह ही पे विल लगेगा और आई और सॉरी ही पे शैल लगेगा और आई और वी पे विल लगेगा, ही शैल गो स्कूल टुमारो। और ये पॉजिटिव हो गया, निगेटिव इसका बनाना रहेगा, तो ही शैल नॉट गो स्कूल टुमारो, ठीक है। सब उसी तरह करना है, अब अवश्य दिया रहेगा तो शैल हो गया, ठीक है ना। अवश्य नहीं दिया गया रहता तो ही के साथ विल का ही प्रयोग होता है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, सर, सर पहले लिख देंगे, ठीक है, सर ही नॉट गो स्कूल टुमारो, ठीक है, ठीक, समझ आया। ये आप रूल नंबर वन हो गया, रूल नंबर टू हो गया, यही आप किनारे रूल नंबर थ्री लिख लीजिएगा, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको बस बता दे रहा हूँ, यही आपकी रूल नंबर थ्री में लिखना है। आप लिख लीजिएगा कि कल शब्द जहाँ भी आएगा, कल शब्द के लिए इसमें टुमारो का प्रयोग होगा, यानी कि फ्यूचर इंडिफिनिट में आप लिखिएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट में कल के लिए टुमारो का प्रयोग होगा और पास्ट इंडिफिनिट में कल के लिए यस्टरडे का प्रयोग होगा। ये आपका फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, सभी आसान टेंसों में से फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस का भी आसान टेंसों में ही गिनती होती है, काफ़ी ईजी टेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। आप इस वीडियो को सुनिए पहले ध्यान से, एक बार नहीं दो बार सुनिए, उसके बाद पहले इसका रूल, जो भी मैं बोला हूँ और जो ब्लैकबोर्ड पे लिखा हूँ, बोलने वाला और ब्लैकबोर्ड पे लिखने वाला दोनों, व्हाइट बोर्ड सॉरी ब्लैकबोर्ड नहीं है, बोर्ड समझ लीजिए, बोर्ड पे जो भी मैं लिखा हूँ और जो मैं बोला हूँ उसको सुन के आप पहले नोट्स पूरा करिए। नोट्स जब कर लेंगे उसके बाद इस रूल को कॉपी के ऊपर लिखिए और ट्रांसलेशन बनाइए, 15 पॉजिटिव, 15 निगेटिव, 15 इंटरगेटिव, 45 ट्रांजिशन बनाने के बाद फ्यूचर इंडिफिनिट आपको कभी भूलेगा नहीं, हमेशा के लिए फ्यूचर इंडिफिनिट याद रहेगा। लेकिन ईमानदारी से इसको बहुत ही केयरफुली सावधानीपूर्वक पढ़िए, समझिए और ट्रांजिशन बनाने का प्रयास करिए। जो चीज़ें नहीं समझ में आती है वो फिर से आप कमेंट सेक्शन में उसमें पूछ सकते हैं, ताकि मैं आपको जो भी डाउट है वो क्लियर कर सकूँ। थैंक यू।